गाइज नेक्स्ट एरा मैप में रैंक पुशिंग करना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि भाई नेक्स्ट एरा मैप एक नया मैप है जिसे समझने में हमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा एंड उसी के साथ में नेक्स्ट एरा मैप बहुत ही बड़ा और ओपन मैप है जिसकी वजह से हमें कोई भी बंदा कहीं से भी मार देता है एंड हमारा माइनस लगवा के चला जाता है एंड हम कुछ नहीं कर पाते। तो यार आज की ये वीडियो देखते जाओ क्योंकि आज की ये वीडियो में मैं आपको पूरा ट्रिक बताने वाला हूँ गेम प्ले के साथ भाई आपको सोलो में कैसे खेलना है नेक्स्ट एरा मैप में जिससे कि आप लोग हर एक मैच को भूया निकाल पाओगे एंड उसी के साथ में अच्छा खासा किल करके फुल्ली प्लस पाओगे। तो यार वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। चलो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। चलो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। यार सबसे पहले आपको पेट में वैगर पेट को ले जाना है, उसी के साथ में एक ऐसा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन यूज करना है जो कि आपको सोलो रैंक पुशिंग में बहुत ही ज्यादा हेल्प देगा एंड उसी के साथ में आपको ले जाना है स्कैनर। ठीक है, स्कैनर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट एरा मैप के लिए। ठीक है, एंड इतना करने के बाद आपको कर देना है मैच को स्टार्ट। बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन वाली वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एंड कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा, सो आप वहां पे जाके चेकआउट कर लेना कि भाई आपके लिए कौन सा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट रहेगा। सबसे पहले चीज की भाई लॉबी में आपको ना किसी भी बंदे को देख के घबराना नहीं है क्योंकि भाई सभी के सभी आप ही की तरह रैंक पुशिंग करने आए हैं एंड सभी का रैंक आपके बराबर है। तो यार ऐसे में आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है एंड यहाँ पे जो आपको लैंडिंग करनी है ना, तो यार लैंडिंग दो तरीके से की जाती है। एक तरीका ये होता है कि जिसमें आपको एकदम मैप के एकदम साइड में उतरना होता है एंड एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे आपको अच्छा खासा नॉलेज है। तो यार इस टाइम पे हमें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो हम थोड़ा मैप में साइड में उतरने का ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा पाथ है प्लेन का उससे हम थोड़ा दूर जाने की कोशिश करेंगे एंड हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं एक प्लेस को एंड वहीं पे उतरेंगे। अब देखो यार यहाँ पे ना मुझे प्लेस का कुछ भी जानकारी नहीं है कि भाई कैसा होने वाला है ये प्लेस, तो इसलिए मैं क्या करूँ, अब यहाँ पे उतर के सबसे पहले मेरे को एक गन फाइंड करनी होगी। तो यार फटाफट से पहले हम गन फाइंड करते हैं। यार उतरने के बाद मेरे को एक अच्छी सी गन मिल जाती है जिसको कहते हैं यूजी एंड भाई यहाँ पे मैं सिंपली क्या करता हूँ कि भाई डिस्टेंस बनाना शुरू कर देता हूँ एनिमी से क्योंकि भाई एनिमी मेरे बगल में उतरा है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक पोजीशन पकड़ूंगा जिससे कि मैं एनिमी को मार सकूं और रेडी रहूं। तो जैसे ही एनिमी आता है मैं इसको यूजी से हेडशॉट देके खत्म कर देता हूं एंड यहाँ पे मैं सबसे पहले अपना बाउंटी लूट लेता हूं, मतलब जो भी मेरा लूट आया है इससे, तो इससे मैं लूट लूट लेता हूं एंड लूटने के बाद भाई यहाँ पर भी कुछ बंदे और होते हैं तो उनको मारने के आता हूं जिससे कि मैं यहाँ पे सारे एनिमी को क्लियर करके फटाक से अपना लूट कंफर्म करके आगे का मैच कंटिन्यू कर। लेकिन एनिमी से फाइट लेते टाइम आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि भाई ये मैप बहुत ही बड़ा और ओपन मैप है तो इसमें आपको ना थोड़ा सा अलर्ट होकर खेलना होगा, मतलब जब आप फाइट ले रहोगे एनिमी से तब आपको आगे पीछे भी ध्यान देना होगा जिससे कि आपका सर्वाइव करने का जो चांस है वो बढ़ जाएगा फाइट में भी एंड पूरे मैच में भी। एंड हाँ, आपको नेक्स्ट एरा मैप में ना हेडफोन्स का यूज बहुत ज्यादा करना है क्योंकि यहाँ पे जो अभी एनिमी आया है ना इसका मेरे को बिल्कुल भी पता नहीं चलता अगर मैं हेडफोन्स का यूज नहीं करता। तो यार ईयरफोन अगर हेडफोन है के पास तो दोनों में से कोई भी लगा लो जिससे कि आपको एनिमी का साउंड सुनाई देगा अगर आपके आसपास होगा तो। एंड इस बंदे को हमने क्लियर कर दिया एंड यहाँ पे हमारे हो गए 3 किल्स और बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि भाई हमारे आधे किल कंप्लीट हो गए हैं एंड बस हमें आधे किल और करना है, मतलब 6 किल करना रहता है मिनिमम एंड वो हमने आधा कंप्लीट कर लिया है। अब देखो लूट करने के बाद यहाँ पे अभी तो हम लोग जोन में हैं तो अभी हम लोग जोन में करेंगे सर्वाइव एंड नेक्स्ट जोन बनने का वेट करेंगे। सर्वाइव करते टाइम आपके पास कुछ एनिमी आ सकते हैं एंड ऐसे में आपको क्या करना है, एक अच्छा सा शॉर्ट रेंज गन को चूज कर लेना है एंड मैं आपको सजेस्ट करता हूँ M10। तो यार M10 सबसे बेस्ट गन है एंड इस एनिमी को मैं M10 से मार भी देता हूँ बहुत ही इजीली। एंड अगर आपके पास चिप होता है तो भाई चिप से आप M10 को मैक्स कर सकते हो जो कि बहुत ही खतरनाक चलती है। तो इसलिए शॉर्ट रेंज में आपको M10 का यूज करना है एंड लॉन्ग रेंज में कोई भी आप गन जो अच्छा चला लेते हो उस गन को यूज कर सकते हो। अब जिस तरीके से नेक्स्ट एरा मैप बहुत ही ज्यादा बड़ा है तो भाई यहाँ पे जो जोन भी बनेगा ना वो आपसे काफी ज्यादा दूर दूर तक बन सकता है। अब बहुत ही ज्यादा किस्मत आपकी अच्छी होगी तभी आपके ऊपर बनेगा नेक्स्ट जोन। ठीक है, तो आपको जोन को कवर कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे नेक्स्ट जोन बन चुका है तो मेरी तरीके से इस मैप को खोल लेना है बट एक परफेक्ट प्लेस पे बैठ के जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा सेफ होगा एंड वहां पे आपको एक ऐसा प्लेस को मार्क कर लेना है जो कि आपको लगे कि भाई हाँ वहां पे नेक्स्ट जोन भी बन सकता है एंड वहीं पे आपको चले जाना है। एंड जोन को कवर कैसे कर रहा हूँ देख लो रोटेशन लेते हुए, एंड रोटेशन कैसे लेते हैं वो आप इस वीडियो में देख ही रहे हो तो बस उसी को फॉलो करते करते आपको जोन के साइड साइड से जोन को कवर करना है। बट वहां पे आपको एनिमी भी मिल सकते हैं क्योंकि भाई कुछ एनिमीज भी होते हैं जो कि जोन सरवाइव करते हैं, बाहर बाहर सरवाइव करते हैं एंड लास्ट में वो जोन में जाके बंदे मारते हैं एंड बूया लेने का ट्राई करते हैं, तो उनसे आपको बच के रहना है। अब जैसे यहाँ पे मैं जा ही रहा था तो यहाँ पे मेरे को एक ड्रॉप के पास एनिमी मिलता है एंड इसको मैं डैमेज देने का कोशिश करता हूँ बट भाई एनिमी चलाक होता है एंड बहुत ही जल्दी वॉल लगा लेता है। तो अब मैं क्या करूँगा, एक परफेक्ट प्लेस पे जाऊँगा, मतलब एक ऐसे कवर पे जाऊँगा जहाँ पे मैं एनिमी को भी देख सकूँ
एंड उसे मैं मारने का ट्राई भी कर सकूं। तो यहाँ पे मैंने डिसाइड किया कि भाई हमें एनिमी के ऊपर ज्यादा फोकस ना करते हुए हमें जोन के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर हम एक बार जोन को कवर कर लेते हैं तो भाई पीछे से वो एनिमी आएगा तो हम उसे मारेंगे। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे जोन को कवर करते हैं। एंड यहाँ पे अभी मेरे को मिल चुका है वेस्ट अपग्रेडर, तो भाई जहां पर भी आपको मिले वेस्ट अपग्रेडर तुरंत से आपको वेस्ट अपग्रेड कर लेना है, ठीक है। एंड अभी मैं पीछे की ओर देख रहा हूँ कि भाई एनिमी है कि नहीं, अगर आ रहा होगा तो शायद से मैं उसे मार दूं। तो इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा रुक के एनिमी का वेट करता हूँ। बट नेक्स्ट जोन बन चुका है एंड जहाँ पे मैंने मार किया था वहीं पे बना है, तो इसलिए हम लोग जोन को वापस से फिर से कवर करना जाएंगे। तो यार इस मैप में सर्वाइव करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमारा कवर। तो यार कवर अगर आप छोड़ देते हो एंड कोई एनिमी आपको देख लेता है तो भाई आपका मरना तय है, क्योंकि भाई आपको कवर ही नहीं मिलेगा ना परमानेंट। तो इसलिए आपको क्या करना है, हमेशा कवर में रहना है। एंड जैसे कि आप सभी देख पा रहे हो यहाँ पे रेत ही रेत है एंड कवर बहुत ही ज्यादा कम है, तो आपके मरने के चांसेस भी तभी होते हैं जब आप एक कवर में नहीं होते हो। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि भाई आपको हमेशा से एक कवर में रहना चाहिए एंड आपको कवर टू कवर मूव करना है इस मैप में। तो अब देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज और आ जाती है कि भाई लास्ट जोन की फाइट्स को कैसे विन करना है, क्योंकि भाई लास्ट जोन की फाइट्स ना इस मैप में बहुत ही ज्यादा तगड़ी होती है, क्योंकि ओपन एरिया है ना यार। तो यार आपको करना क्या है, अब देखो यहाँ पे मेरा जोन जो है मेरे अपोजिट में बन गया है, मेरे फेवर में नहीं है एंड मेरे को जोन को कवर करना है। तो यहाँ पे मैं लेफ्ट से जाऊंगा, क्योंकि भाई यहाँ पे लेफ्ट से जाऊंगा ना तब मेरे को यहाँ पे कोई एनिमी देख ही नहीं पाएगा, क्योंकि सारे बंदे जोन में होंगे, जोन के पास में होंगे एंड मैं यहाँ पे अभी जोन में सबसे ज्यादा दूर हूँ। तो यहाँ पे मैं लेफ्ट से जाऊंगा जिससे कि एनिमी मुझे न देख पाए एंड मैं एक परमानेंट कवर में पहुंच जाऊँ। तो यहाँ पे सामने ये घर है, यहाँ पे मैं रुकने का ट्राई करूंगा एंड यहाँ पे सबसे पहले कन्फर्म करूंगा कि भाई कोई एनिमी है कि नहीं है, अगर नहीं होगा तो मेरे लिए सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पे मैं आता हूँ एंड यहाँ पे जैसे ही मैं देखता हूँ कि भाई ग्लू वॉल वगैरह लगा है तो यहीं पे रुक जाते हैं। एंड यहाँ पे देखो लेफ्ट में मेरे फाइट चल रही है, तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे करूंगा होल्ड एंड यहीं पे मैं होल्ड करके एनिमी के फाइट हो जाने का वेट करूंगा एंड अगर बंदे कम बचेंगे तब हम जाके फाइट लेंगे। तो अभी तो यही करना है हमको। तो यहाँ पे ये सामने वाला एनिमी कुछ ज्यादा ओपन एरिया में आ रहा था एंड इसे मैंने मार दिया। तो ऐसे ही आपको भी करना है एंड हाँ कवर कवर नहीं छोड़ना है। अब अगर यहाँ पे बात की जाए सिचुएशन की, तो यहाँ पे चार बंदे बच रहे हैं जिसमें से एक मैं हूँ, तो मेरे को छोड़ के तीन बंदे बच रहे हैं एंड मैं अभी वेट करूंगा उन तीन बंदे का फाइट होने का। एंड जब वो फाइट कर लेंगे एंड उनमें से एक दो मर जाएगा तब जाके मैं फाइट लूंगा। लेकिन भाई यहाँ पे क्या हो रहा है कि फायरिंग हो तो रही है बट बंदे मर नहीं रहे। तो यहाँ पे मैं जोन का वेट करूंगा कि जैसे जैसे जोन आगे बढ़ेगा मैं उसी के साथ में जोन में जाऊंगा। तो यहाँ पे अभी वही करना है हमें भी एंड यहाँ पे अभी भी फाइट चल रही है, जोन के साथ साथ अभी मैं आगे बढ़ने वाला हूँ एंड सेम टू सेम आपको ऐसे ही करना है। एंड यहाँ पे देखो सामने हो रही है फाइट एंड जैसे कि मैंने आपको बोला था कि भाई कवर नहीं छोड़ना है, तो यहाँ पे जितने भी बंदे सामने मरेंगे ना वो कवर की वजह से मरेंगे, क्योंकि भाई ये मैप है ओपन एरिया का एंड यहाँ पे जो बंदा कवर में रहेगा वही जीतेगा। तो यहाँ पे ये लोग ओपन में फाइट कर रहे हैं, यहाँ पे मैं एक को कर देता हूँ फिनिश और यहाँ पे एक और बच रहा है, ये नॉक हो जाता है क्योंकि इसके पास होता है हॉरिजन लाइन। एंड यहाँ पे एक और बंदा बचता है उसको भी कर देता हूँ फिनिश एंड ये जो हॉरिजन लाइन वाला है इसको भी फिनिश कर देता हूँ। एंड यहाँ पे जितना भी फाइट मैं विन किया हूँ ना वो एनिमी की गलती की वजह से विन किया हूँ, जो कि है कवर। तो यार देख रहे हो नेक्स्ट एरा मैप में कवर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इसी के साथ में हमारा अच्छा खासा हो जाता है बुया विद 8 kills। एंड बस यार इसी वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं एंड कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड के साथ जिसे रैंक पुशिंग में प्रॉब्लम है एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। Face on when I chase like that, yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise if you hate on that. I don't play both sides, do me no.